श्रीकाल जी, नमस्ते, खुश रहो। आज मैं ना आपको माइक्रोवेव में चावल कैसे बनाए जाते हैं ये दिखाऊंगी, क्योंकि मैं हमेशा माइक्रोवेव में ही चावल बनाना पसंद करती हूँ। बहुत अच्छे बनते हैं, टाइम फिक्स है, और इसलिए आप भी, मेरा ख्याल है, मेरे को देखोगे इन चावलों को बने हुए, और आप भी माइक्रोवेव में बनाना ज़्यादा पसंद करोगे। जी, आज हमने काले चने और आलू बनाए हैं बच्चों के लिए सूखे, और ये बनाया बैंगन का भरता। जी, आज हमने कढ़ी बनाई है, इसमें मैंने स्पेशल पकोड़े बनाया, वो अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये तले हुए पकोड़े नहीं हैं, ये स्पेशल गट्टे की तरह डाले हैं। फिर कभी आपको मैं ये रेसिपी बताऊंगी। ये हमारे छोटे संतरे नींबू हैं, ये खट्टे होते हैं, इसका अचार बनाया है। और इसके साथ चावल बनाना तो बनता ही है। ये चावल देखो, मैंने एक कटोरी चावल लिए, ये बासमती चावल हैं, इनको धोना है 3-4 बार अच्छी तरह। अच्छी तरह धोने के बाद इसमें 2.5 कटोरी मैंने पानी डाला है। लोग 2 गुना डालते हैं, माइक्रोवेव में मैं 2.5 गुना डालती हूँ। जितने भी आप चावल लोगे उसका 2.5 गुना पानी डालना है। अच्छी तरह चावल साफ करके पानी डालना है, क्योंकि ये पानी मैंने फेंकना नहीं है, इसको मैंने भिगो के रख दिया है। इसमें थोड़ा नमक और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल मैंने डाला है। ये आधा घंटा रेस्ट करेंगे, इसके बाद मैं माइक्रोवेव में बनाऊंगी। ये मैंने भीगे हुए चावल माइक्रो में रख दिए हैं, 16 मिनट का टाइम मैं फिक्स करूंगी और इसको ऑन कर देंगे हम। ये अब हमारे चावल तैयार हो गए हैं। चावल तैयार होने के बाद माइक्रोवेव में 5 मिनट रखने चाहिए, उसके बाद बाहर निकालने चाहिए। अब चावल तैयार हो गए हैं, अब देखो हमने आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद अब हमारी लंच की तैयारी है, अब हम लंच करेंगे बच्चों के साथ।